क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज 5.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस क्वेश्चन 6 क्या कह रहे हैं। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपीआर 17 और 350 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, क्या नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं और उसका सम निकालना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहां पे दिया क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है मतलब ए दिया हुआ, एपी का ए दिया हुआ है और लास्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म मतलब एल, एल इज इक्वल टू 350 दिया हुआ है, डी इज इक्वल टू भी दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या निकालना क्या हमको, नंबर ऑफ टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स एन इज इक्वल टू, ठीक है, एंड व्हाट इज द सम ऑफ देयर, तो सम निकालना है, एस एन निकालना है, ठीक है, ठीक है, जो दिया हुआ मैंने लिख लिया। चलिए शुरू करते हैं एल से लेके, एल इज इक्वल टू, क्योंकि डी दिया हुआ तो पहले एन निकाल लेते हैं, एन एल में होता है, एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। ए का वैल्यू क्या होता है, एन का वैल्यू क्या है 350 दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया हुआ है 17, ठीक है, प्लस एन, एन निकालना है, एन माइनस वन इंटू डी, डी का वैल्यू दिया हुआ है 9, ठीक है। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 350 माइनस 70, क्योंकि ये प्लस में है इस तरफ जाएगा तो माइनस में जाएगा, ठीक है, और ये मल्टीप्लीकेशन में है, अगर इसको करते हैं तो डिविजन में चला जाएगा, अगर वन टाइम्स करते हैं तो डिविजन में चला जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा और इसको हो जाएगा 1n-1, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगर 350 में से 17 जाएगा तो 333 हो जाएगा, डिवाइड बाय 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा n-1, ठीक है। चलिए अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो कितने बार में डिवाइड होगा, रखिए 3 से डिवाइड ये हो जाएगा, 3 से डिवाइड, 3 जा 9, 3 1 1 1, ठीक है, अब भी 3 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 1 2 3 3 हो जाए, तो 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, 3 जा 9, ठीक है, 2 21, 3 7 जा 21, 37, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो रहा है 37 हो गया, तो n इज इक्वल टू क्या होगा, तो n इज इक्वल टू ये माइनस में है, इस तरफ जाएगा तो प्लस में जाएगा, 37 प्लस 1 इज इक्वल टू 38, n के वैल्यू पता चल गया आपको। चलिए जब n के वैल्यू पता चल गया तो sn निकाल लेते हैं, सम ऑफ n टर्म्स, तो sn इज इक्वल टू क्या होता है n बाय 2 इंटू ए प्लस एल, ठीक है, तो sn इज इक्वल टू n का वैल्यू क्या है, n के वैल्यू 38 है, डिवाइड बाय 2 है, ठीक है, a के वैल्यू पता है 17 प्लस l के वैल्यू पर 350, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा, अगर इसको हम करते हैं तो 19 इंटू इस दोनों को प्लस करते हैं तो हो जाएगा 707, ठीक है, 5 और 1 6, ठीक है, 3 का 3 367, ठीक है। तो एस एन इजकल टू क्या होगा 19 मल्टीप्लाई 367, अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 6973 होता है, ठीक है। तो एस एन निकल गया, सम ऑफ एन टर्म्स निकल गया, सम ऑफ एन टर्म्स कितना है 6973 और एन का वैल्यू क्या है 38, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।